नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इससे पहले एक वीडियो के माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग में जो भी फैसले हुए हैं आपको बताया गया है, लेकिन तब तक हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दी गई है। उन सब के अलावा भी जो बड़े फैसले लिए गए हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कॉलेजों को लेकर। तो देखिए, 23 जून के बाद डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। 28 जून के बाद नर्सिंग स्कूल कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज भी खुल जाएंगे। इन सब के अलावा अन्य जितने भी संस्थान हैं, चाहे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो सारे बंद रहेंगे। जो भी खुलेगा वो मैंने आपको बता दिया, जिनके बारे में हमने बात नहीं की वो सब बंद रहेगा। इसके अलावा आपने पूछा था कि निजी बसेस चलेंगे, तो देखिए बसेस 14 जून से चलेंगी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। तो बसेस चलेंगे, प्राइवेट बस वालों उनकी खुद की मर्जी है कि वो चलाना चाहते हैं नहीं चलाना चाहते, लेकिन चलेंगी बसेस, और सिर्फ हिमाचल के भीतर ही चलेंगी। हिमाचल प्रदेश से दूसरे राज्यों के लिए फिलहाल बसेस नहीं चलेंगी। इसके अलावा देखिए, हिमाचल प्रदेश में अब आने के लिए, एंट्री के लिए RT-PCR रिपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। जो कंडीशन थी पहले, इसे अब खत्म कर दिया गया है, लेकिन ई पास की जो पुरानी व्यवस्था थी वो अब भी हिमाचल प्रदेश में लागू रहेगी। हिमाचल प्रदेश में एंट्री करने के लिए RT-PCR की जरूरत अब नहीं है, लेकिन ई पास अब भी आपको बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर, तो देखिए किसी भी वर्ष के छात्र हों उन्हें प्रमोट नहीं किया जाएगा, सभी वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। शुरुआत की जाएगी फाइनल ईयर के स्टूडेंट से, यानी कि फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं सबसे पहले कंडक्ट करवाई जाएंगी। और किस महीने में कंडक्ट करवाई जाएंगी? जुलाई महीने में। जब देखिए इनका पूरा जो शेड्यूल जारी हो जाएगा वो भी हम आपको अपडेट करवाएंगे। इनके बाद यानी कि अंतिम वर्ष के जो परीक्षाएं लेने के बाद प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्रों की परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। यह फैसला भी कैबिनेट की मीटिंग में लिया गया है। फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इसके अलावा जो भी फैसले लिए गए हैं वो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड की है, उसमें हमने बताया है, तो उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर जो देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।